महंगा वाला आउटफिट पहन लिया कि हम बड़े करके हैं वैसे वाला। फिर मैंने आंटी को टाइट वाली हग्गी दे दी। ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं बहुत ज्यादा रोई पत्ता। Hey you all, welcome back to my video. Hope you all are doing well. So guys, आज मैं से तैयार व्यार होकर जा रही हूँ मॉल, और मैंने नीचे जाना है सूट इस जैकेट के नीचे। सो सूट इसलिए पहना बिकॉज मुझे सूट में शूट कराना था, तो बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था कि हाँ कराऊंगी। फिर मैंने सोचा इसका शूट करा के ख़त्म करती हूँ। सो हम जा रहे हैं और दो आउटफिट में शूट कराऊंगी जब जा ही रही हूँ, तो ये चेंज करके एक और आउटफिट लेकर जा रही हूँ, उसमें भी शूट कराऊंगी। और बस गई, ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा रोई, पता नहीं क्यों, बताती हूँ अभी चलते चलते। ओए वाला आउटफिट पहन लिया गाइस। गुची का तो ये स्वेटर पहनती है, यहाँ से आओ, काले दिख रहे। गुची का स्वेटर तो अभी मैंने इसमें शूट करवाया है, शूट मैंने करवा लिया है, बट मेरा ना मैं ना अपना जो चश्मा है वो भूल गई थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ H&M जाके एक चश्मा लेकर आती हूँ। दुख हो रहा है कि घर पे इतने सारे चश्मे पड़े हैं, फिर भी नहीं लेकर आई, और अब ख़रीदना पड़ रहा है क्योंकि चश्मे के बिना थोड़ा सा ऑड लग रहा है शूट। चश्मा आ जाएगा तो एकदम बेहतरीन शूट होगा। तो अभी देख रही हूँ जाके, थोड़ी सी ज्वेलरी भी नहीं लेकर आई, इतना सब कुछ रखा हुआ है, भूल गई मैं सूट का शूट कराने के चक्कर में। तो भी ऐसे नहीं जा रही हूँ, फिर देखते हैं क्या है। आज तो मैं कुछ लेने जा रही हूँ, ना मैं आँख बंद करके जा रही हूँ और ना मैं किसी चीज़ को देखने जा रही हूँ। हाँ, तो वहाँ पे वो गार्ड आंटी है, वो चेकिंग कर रही थी, तो जैसे ही मैं एंटर हुई तो वो बोलने लगी कि आप बहुत सुंदर हो। फिर मैंने बोला थैंक यू आंटी, पहले बोल रही हाय, अरे हाय, बोल रही आप बहुत सुंदर हो, मैंने बोला थैंक यू आंटी। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं कि आके ऐसे दिखाते हैं कि हम बड़े करके हैं वैसे वाला। फिर मैंने आंटी को टाइट वाली हग भी दे दी, आंटी खुश। भाई दिखाओ नहीं, तेरे शॉपिंग करिए, बैग लिया भाई कितने का, 1800 रुपये का, 800 रुपये का चश्मा। अब तो अब क्या खिलाएगी, अब क्या खिलाएगी मुझे, पट्टी कमी नहीं। गाइस मेरे 2500 रुपये खर्च हो गए गाइस। मुझे दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे घर में ना शादी है नेक्स्ट मंथ, तो इतना सारा खर्चा होने वाला है मेरा। तो मैं सेव कर रही थी पैसे के, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाद में शॉपिंग कर लूंगी बाद में। गाइस 2500 खर्च हो गए। क्यों खरीदा है मैंने, पहनने के लिए तो खरीदा है, पकड़। गाइस ये बैग खरीदा है सुंदर सा वाइट कलर का। घर में है क्या यार, मेरा रिलैक्स होके फील बैठने का मन कर रहा था। सो गाइस मैं अपना ऑर्डर देके आ गई हूँ, अभी 5 से 10 मिनट लगेगी ऑर्डर होने में, तब तक मैं आ गई। यार तुमने पैनकेक नहीं खिलाया, मैं आज खिलाऊंगा यार। अब तो मैं जाने जाऊंगा,
जिम जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मेरा ऑर्डर हमारे ऑर्डर गाइस, जब मन आता है घर पे तो बहुत मेरा काम होता है, मतलब मेरे शूट वगैरह मन कर देता है, क्योंकि साक्षी जी आप मेरी फोटोज क्लिक नहीं कर पाते। मैं कर देती हूँ। बहुत अच्छे करते हैं ना, गए यहाँ गए। तभी हम ऑर्डर का वेट करते हैं, चलो तो उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है, इतना सारा दिखा दिया, खा के फिर मिलते हैं। तो यार गाइज हम लोग खा पी के घर आ गए थे और अमन भी घर चला गया अपने। और यस, मैं बता रही थी जैसे स्टार्टिंग में बोल रही थी कि गाइज मैं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले बहुत ज्यादा रोई, तो मैं रोई इसलिए थी क्योंकि ना मेरे को ऐसे व्लॉग के चक्कर में मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन सी आ गई थी कि यार एक और वापस व्लॉग शूट करना, वापस एडिट करना, तो ना गुस्सा ऐसे मतलब बहुत ऐसे अपने आप में गुस्सा आ गया था। और जब भी मेरे को गुस्सा आता है ना तो मैं ऐसे किसी के ऊपर चिल्लाती नहीं हूँ या फिर किसी का ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलती, ना ही शांत बैठती, बस मुझे ना ऐसे बहुत रोना आता है, मतलब मेरे गुस्सा रोने में निकलता है, तो इसलिए मैं रोई। और मैं तैयार हो गई थी, तैयार होके कुछ भी बात नहीं हुई, साक्षी और अमन भी रेडी हो रहे थे, बस रेडी होते होते मैं रोने लग गई और ये लोग सोच रहे कि मैं इनकी कोई बात से गुस्सा हो गई, तो ये लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे कि हुआ क्या, हुआ क्या, बता बता बता। फिर मैंने बाद में बताया कि ऐसे ही मुझे थोड़ा सा ऐसे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है जैसे, तो इसकी वजह से मेरा मन ऐसे बहुत ऐसे भारी हो रहा था, तो इसलिए मैं रोने लग गई थी, बस इसीलिए रोई, बाकी ऐसे कोई और रीजन नहीं था कि हाँ, बस मेरे को काम का थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था कि यार अब इसका शूट करना, वो शूट करना, फनाना शूट करना, तो इसलिए मैं मेरा रोना सॉरी गाइस, तो इसलिए बस मेरा रोना निकल गया था। और जैसे सूट में शूट कराया और फिर एक और आउटफिट में शूट कराया और अच्छा था आज का दिन, आपने जैसे देख ही लिया गाइस। जैसे कल मैंने कल वाला व्लॉग में आपने देखा होगा, कल मैंने काफी सारी डांस वीडियोस बनाई थी, कल वाले व्लॉग में जैसे आपने मुझे प्रैक्टिस करते देखा होगा, तो मैं इतने टाइम बाद मैंने डांस वांस किया ना, तो मेरी बॉडी इतनी ज्यादा दुख रही है, मतलब स्ट्रेच वगैरह होती है, मतलब मैं इतना, अमन ने मुझे कल पॉपिंग भी थोड़ी थोड़ी ऐसे, मतलब मैंने उसके साथ कोरियो की थी पॉपिंग की, तो उसी की वजह से मेरे को इतना ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है, इतना ज्यादा, क्योंकि कभी कभी डांस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जैसे हमें बॉडी पेन होता है ना, वो वाला बॉडी पेन मुझे हो रहा है, और मैं उसकी वजह से बहुत 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 ही ज्यादा परेशान हो रही हूँ, मतलब मेरी पूरी बॉडी पेन हो रही है। मैं जस्ट मतलब जैसे ही हम लोग आए, आते ही मैं हीटर के सामने बैठ गई, क्योंकि मुझे ऐसे ओमन हो रहा था कि यार मैं रिलैक्स हो जाऊँ, फिर मैंने सोचा अब एक ही बार रिलैक्स होंगी, वीडियो एंड करती हूँ। सो गाइज बस इसी के साथ इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ और होप करती हूँ वीडियो में आपको मजा आएगा, अगर वीडियो में आपको मजा आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलती है एक नए व्लॉग के साथ, चल देन, बाय, टेक केयर, पीस।